यू ऑल आर फाइन। सही जो है तैयार हो गए, वो नीचे जा रहे हैं। वी आर गोइंग लाहौर। क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, आई विल टेल यू व्हेन वी विल रीच लाहौर। और क्योंकि अभी हमें लेट हो रहा है, 6 o'clock की हमारी जो है वो बस है। एंड लेट्स गो। लकीली जो है वी गॉट आवर टिकट्स और 6 o'clock की बस थी, बट वो डिले हो गया। सो नाउ इट्स 6:30 और वी विल गॉट 6:30। शुक्र है कि हमें लग रहा था कि लेट ना हो जाए। टर्मिनल पर रुके बस के लिए, थोड़ा वेट करने के लिए, कुछ फ्रेश हो जाए एंड देन और बस विल गो। लेट कितना रह गया सफ़र? 1.5 hours रह गया है ना। हाँ बस लेकिन 9:15 है ना। हाँ 11 o'clock तक पहुँच जाएंगे। व्हाट विल डू और हम यहाँ क्यों आए हैं, सबसे पहले जो है वी थॉट के वी शुड फर्स्ट गो टू जईद हॉस्टल और वहाँ से जो है हम अपना सामान वगैरह रखेंगे एंड देन विल गो मूव फॉरवर्ड, अपनी सारी चीज़ें करेंगे। बट देन वी थॉट कि आगे हमने क्या करना है, अभी अभी हम यहाँ हम बट लेटर हमने चेंज कर लिया। अब हम जो है वो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि बैंक चलान लेंगे, देन स्टूडेंट सेक्शन से, देन विल पे द फीस एंड उसके बाद जो है हम हॉस्टल जाएंगे, अपना सामान रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करेंगे और विल डू द रेस्ट ऑफ थिंग्स। सो अभी हमारे पास टाइम जो है वो काफ़ी है एंड वी कैन डू ईजिली एवरीथिंग। Alama Iqbal Medical College. मेडिकल स्टूडेंट रूम लुक्स लाइक। थोड़ा मेसी है। ये थोड़ा मेसी है। कुछ ज्यादा ही मेसी है। ऐसी बस पड़ी चले गए। ये है हॉस्टल, हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स है ना। ये बिस्तर देख। बिस्तर कितना साफ है। बहुत साफ। सो रूम इज़ अंडर क्लीनिंग प्रोसेस। अपार्टमेंट लेते हो ये तो इसके साथ कुछ तुम्हें मिलता है ऑलरेडी जो रूम के अंदर होता है? रूम बिल्कुल खाली होता है, सिर्फ अलमारी होता है और कुंडी भी नहीं होता। कुंडी भी नहीं, ये सब जो ये देख रहे हैं रूम में, कौन से ये बेड, ये जो बिस्तर है, ये एसी है, ये चेयर है, ये टेबल है, ये फ्रिज है जो यहाँ पे, और ये जो टीवी, ये शू रैक, डस्टबिन, हर चीज, ये सब सिर्फ ये रूम में, सिर्फ ये रूम में ये अलमारी होता है और ये पंखा होता है। लाइट भी हमने खुद लगवाया बाद में, हैं लाइट के सॉकेट लगा हुआ था मगर हमने खुद लगवाया ये वाला। और ये शूज रैक, शीशा भी, और ये भी हमने खुद लगाया, ये भी खुद लगाया, हर चीज, बुक्स वगैरह हर चीज। सो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनके लिए तो उनकी मर्जी है, जैसे रूम अपना कस्टमाइज करें, अपने पर्सनलाइज करें रूम जो भी है। और सारा अपने, कुछ आपको अपने रूममेट है ना, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए कि ना वो दोनों अपना रूम अच्छा बना दें ताकि एक अच्छा सा माहौल बने रूम का, होटल जैसा लगे। हाँ। ताकि अजीब सा लगता है ना होटल का लाइफ, लोग समझते हैं अगर आप गंदा गंदे तरीके से रहते हैं मगर अच्छे तरीके से भी रह सकते हैं अगर आप चाहें तो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ दूसरा बन, दोनों एक के अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो रूम में जो है वो इजीली रह लेंगे। वो कुछ से रहता है, ये हाँ। कुछ ऐसा मेरे रूम में जैसे फ्रिज लिया है, मैंने एसी लिया है, तो ऐसे काइंड अंडरस्टैंडिंग होगी। हम दोनों ने बिस्तर लिया है, वो भी मैचिंग बिस्तर। हाँ इतनी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों ने सेम मैचिंग बिस्तर, बेड भी सेम लिए। ये जो डेस्क है वो मैं लेकर आया हूँ, ये चेयर हम दोनों ने शेयर करके लिया है, ये टीवी मैं लेकर आया हूँ और शू रैक हमने लिया है। So, roommate जो है वो अच्छा होना चाहिए basically। Roommate अच्छा होना चाहिए आपका। Roommate बहुत matter करता है। जो आपके साथ जो है वो हर चीज़। अगर roommate carefree type का बंदा है ना तो फिर आपके साथ वो
कोऑपरेशन नहीं करेगा कि सर एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या दूँ, बहुत ज़्यादा होते हैं लोग, क्या हमारे जो नेबर्स वगैरह कहते हैं एक बंदे ने बिस्तर रखा होता है, वो दूसरा बंदा मैट्रेस में सो रहा होता है, उसका कोई पता नहीं होता, उसके कपड़े इधर पड़े होते हैं इधर पड़े होते हैं, बस यही है। सो जो न्यू आ रहे हैं इसमें अलाम इकबाल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में, वो पहले से प्रिपरेशन कर कर आए, और रूम के लिए रूममेट जो है उसके लिए तो लक भी होनी चाहिए, क्या आपको लक मैटर करता है इस चीज़ में? अगर आप दो दोस्त एक साथ जा रहे हो तो फिर आपकी इच्छा हो जाता है। हाँ, अदरवाइज यू कैन टेक क्यूबिकल। जल्दी से ना पहले वीक में एडवाइस दे रहा हूँ, पहले वीक में आप ना फ्रेंड्स सर्च करो, कोई अच्छा बंदा सर्च करो जो आपकी जैसा हो, फिर आपकी लाइफ आसान हो जाती है हॉस्टल में आके ना। हाँ, अदरवाइज आप क्यूबिकल भी ले सकते हो। हाँ, ओके। 30 मिनट्स वी वर थिंकिंग कि हम क्या जो है वो ऑर्डर करें, और फाइनली जो है वो हमने हमने डिसाइड कर लिया कि हम क्या ऑर्डर करें, बिकॉज हमने सुबह 5:30 बजे जो है वो 5:30 पे ब्रेकफास्ट किया था, और अभी 3:45 हो रहे हैं, और अब जाके जो है वो हम लंच कर रहे हैं, और 11 बजे से 2 बजे तक जो है वो हम कंटिन्यूसली जो है वो इधर उधर जो है डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगा रहे थे, और फाइनली जो है आज का काम जो है वो कंप्लीट हो गया, एंड हियर आवर टुडेज लंच इज 20 इंच हाफ पिज्जा। टन टन, बल्कि टू डिफरेंट पिज्जा है ना, कौन सा वाला? ये वो है कॉच पे, और ये है हैबिनेरो। या एंड बोथ आर बेस्ट बेस्ट ऑफ ब्रॉडवे है ना। दोनों में से जो है बहुत आर डिफरेंट फ्लेवर्स, कौन सा जो है वो किसको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा वाला ट्राई करना? वी आल्सो हैव सॉसेस, सॉस भी डाल सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट सॉसेज है, स्पाइसी हैबनेरो सॉस, हैबनेरो सॉस, और गार्लिक मेयो, गार्लिक रेंच सॉस, और ये बारबेक्यू रेंच सॉस, और बारबेक्यू रेंच सॉस। लेट्स ट्राई। चलो, ये हैबनेरो पिज़्ज़ा है। हैबनेरो। लेट्स ईट। ये तो स्पाइसी है। तो सॉस मत बोल, मुझे क्या तो सॉस बहुत अच्छा है, आप ट्राई करें। ये तुम सॉस इज क्वाइट गुड, ट्राई करें। Which one you like? दो तो मुश्किल चॉइस है, दोनों अच्छे। बट इसका जो बीफ वाला है ना, वो ऑलरेडी ट्राई किया है। हाँ। मुझे जो है इसका सॉस के ऊपर जो है ना, इसका सॉस बहुत अच्छा लगा। मुझे भी इसका सॉस ज़्यादा अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा है। तो ये भी बुरा, ये बुरे बुरे के बाद ये भी बहुत अच्छा है। इसपे बीफ वगैरह है, मगर इसका सॉस 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 के ऊपर जो है ना वो एज है। इस वाले का सॉस के ऊपर एज है। हाँ, इसका सॉस बहुत मजे का है। इस वाले और मीट वगैरह हर चीज जूसी जूसी है, वो भी बहुत मजे का है, दोनों अच्छे हैं। अभी बस हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है, सो हम खाते हैं बस, फिर हमने सुबह से कुछ ये भी करना पड़ता है हॉस्टल लाइफ पे, है ना। एंड दिस इज अ मेमोरी। देख कैसा लग रहा है वैसे ही करते हुए। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। कल भी जो है वी आर इन AIMC, और कल जो है वो डिफरेंट होगा, और कल हम क्या करेंगे जो रूटीन होगी, यू गाइज विल सी इन दैट व्लॉग। And that's it for today. I'll see you tomorrow with an awesome another vlog. Peace out.
विल डू नाउ? अभी ये डॉक्यूमेंट सारा कंपाइल कर लिए, ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ ऑनलाइन, उसके बाद हॉस्टल ऑफिस जाना है, वहाँ पे उनके जो ड्यूज़ पूरे करने, उसके बाद फिर ना वो जो रजिस्ट्रेशन जो कर रहा हूँ उसका PDF को प्रिंट निकालना है, उसके बाद काम ख़त्म, कल का काम है, कल सारा सबमिट करा देंगे, फिर हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके।